अस्सलाम वालेकुम आदाब, खुश आमदीद, सुस्वागतम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एस आर स्टार, दिस इज़ रहीम। तो रमज़ान ख़त्म होने पर है और अभी ईद भी नज़दीक है और ईद की हमारी तकरीबन शॉपिंग हो गई, अभी रात भर शॉपिंग चली है और अभी हम लोगों का ईद मनाने का जो प्लान है नांदेड़ जाकर मनाने का है। तो नांदेड़ हम यहाँ से निकलने वाले हैं, अभी रेलवे स्टेशन जाएंगे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से वहाँ से, और रात भर तो शॉपिंग में थे बिज़ी, तो जिसकी वजह से नींद नहीं हुई है। और अब जब जाएंगे ट्रेन में ज़बरदस्त सिर्फ़ और सिर्फ सोने का, पूरे पैसे वसूल करने का रिज़र्वेशन के। तो चलिए हमारा सफ़र शुरू करते हैं, उससे पहले हमारे दोस्तों का हालचाल लेते हैं। तो चलिए आपको हमारे दोस्तों से मिलाते हैं। तो ये देखिए हमारे दोस्त यहाँ पर अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 1000 के आसपास तो यहाँ पर कबूतर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों के लिए हमने वहाँ पानी का इंतज़ाम किया है, एक छोटा सा एक बाउल टाइप में, इसमें मैं पानी भर के रखता हूँ हमेशा। तो आप भी, आपके टेरिस वगैरह पर बहुत सारे परिंदे आते हैं तो उनके लिए समर में पानी का इंतज़ाम रखिए ताकि उनकी प्यास बुझ सके। पैकिंग वगैरह हो गई है, बैग सब तैयार है और टाइम देखिए, टाइम जो रहा है 6:30, ऑलमोस्ट अभी टाइम भी करीब है और ट्रेन तो 1 घंटा लेट चल रही है, बट ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस है तो पता तो यहाँ पर 1 घंटा रहा है, बट जल्दी भी आने के चांसेस है, इसलिए रिस्क नहीं लेते हैं, जल्दी से ऑटो कैब जो भी है मिलता है बुक करते हैं और निकलते हैं। 3-4 ऑटो कैंसिल होने के बाद फाइनली हम लोगों को ऑटो मिल गया है और सिकंदराबाद की तरफ निकले हुए हैं। रमज़ान में शाम के वक्त ये एरिए में लेफ़्ट साइड में पिस्ता हाउस के हलीम की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारा ट्रैफिक जाम रहता है, यहाँ पिस्ता हाउस का आउटलेट है और इस साइड में जब आप देखते हो तो शागौस का आउटलेट है, तो यहाँ पे भी इनके आउटलेट की वजह से काफ़ी सारा ट्रैफिक जाम होता है शाम में यहाँ पर दोनों का, हलीम पिस्ता हाउस का लेफ़्ट में और राइट में शागौस का, ज़बरदस्त एकदम पब्लिक टूट पड़ी हुई रहती है बस के लिए। मॉर्निंग 3:34 तक हलीम चलता रहा, पूरा यहाँ तक काफ़ी सारा ट्रैफिक जाम था, फिर आगे मेहंदीपट्टनम पे भी जाम था। आप जहीं पे जहाँ पर भी जाएंगे शॉपिंग एरिया में आपको ज़्यादातर ट्रैफिक जाम मिलेगा। और ख़ास बात, आपने मोटो व्लॉगिंग देखे होंगे, कार व्लॉगिंग देखे होंगे, फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं ऑटो व्लॉगिंग, ये एक नया चैलेंज हमने आज पूरा किया है, ऑटो व्लॉगिंग कर रहे हैं। चलिए, ऑटो व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, कुछ नई चीज़। भाई आपका नाम क्या है? रामू भाई। हमने जो ऑटो बुक किया उबर से, हमारे रामू भाई है, रामू भाई अभी ड्राइव कर रहे हैं। अभी हम करीब है मेहंदीपट्टनम के रेती बोली, ये जो पीवी नरसिम्हराव एक्सप्रेस वे जो फ्लाईओवर है जो शमशाबाद जाता है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा एयरपोर्ट तक रहेगा, तो ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर की पूरा आपको फ्लाईओवर रहता है। 3375 इसमें टोटल पिल्लर होते हैं, काफ़ी लंबा फ्लाईओवर है। बेहतरीन ऑटो में बैठ के विटामिन डी लेते हुए सुबह की धूप खाते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा है और स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और रोड भी देखो तकरीबन पूरे खाली है, रात में जो निकलते हैं जो ट्रैफिक सुबह के टाइम में पूरे रोड खुले मिल रहे हैं, तो इसमें आपको बाइक चला लो, कार चला लो, इवन ऑटो भी चला लो, चलाने का मज़ा है, रोड पूरे खुले हैं।
फाइनली सिकंदराबाद स्टेशन पहुंच गए और हमारे रामू भाई ने काफ़ी अच्छी सर्विस दी, स्टेशन के अंदर तक पहुंचा दिए और काफ़ी फास्ट लेकर आ गए, टाइम पर लेकर आ गए। थोड़ा 3 से 4 ऑटो और कैब कैंसिल हुए जिसके बाद हमको ये ऑटो मिला है, तो थोड़ा लगा था कि ज़रा लेट पहुँच जाएंगे, बट हमारे रामू भाई ने अच्छी सर्विस देकर पहुँचा दिए। रामू भाई को डेफिनेटली हम 5 स्टार देंगे। भाई भयानक भीड़ है, बीच में तो भीड़ नहीं रही थी, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, अभी सारी भीड़ और ऊपर से आज संडे और ईद भी छुट्टी आ रही है, ट्यूजडे वगैरह, पब्लिक सब घरों को जाने के मूड में निकली। तो चलिए जर्नी को तो स्टार्ट करते हैं। गाड़ी 1 घंटा लेट है तो इजीली एक अच्छा नींद मारने का मौका मिल जाएगा, लेकिन सुबह ज़रा जल्दी सोने का मूड था, अभी नींद तो भाग गई, बट थोड़ा जब गाड़ी का माहौल ठंडा हो जाएगा तो ज़बरदस्त नींद आ जाएंगे, सो जाएंगे और सहरी भी अपनी ज़बरदस्त दबा के हो गई, कबाब चिकन वगैरह में मस्त, अब नींद भी आ रही और बस गाड़ी के आने का इंतज़ार है। आते ही गाड़ी सीधा बस सोने का और उसके बाद नांदेड़ पहुँचने के बाद आगे की ब्लॉक। तो चलिए नांदेड़ का सफ़र स्टार्ट करते हैं। ट्रेन आ गई और फाइनली अपने बर्थ पर बैठ गए हैं और गाड़ी ऑलरेडी विशाखापट्टनम से आ रही थी तो एसी की कूलिंग भी अच्छी मेंटेन है, माहौल एकदम ठंडा है, चिल्ड है। अब बस ज़बरदस्त देखे आग भी लाल हो गए, अभी नींद फुल आ रही है, अब सोना है सीधा, अभी 4 से 5 घंटे के बाद मिलेंगे नांदेड़ पर। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं मालडे क्ली स्टेशन पे, सिकंदराबाद पर ऑलमोस्ट 30 मिनट लेट थी और अब जब टाइम देखते हैं तो यहाँ पर जो नांदेड़ के करीब से 3 किलोमीटर है यहाँ पर हम 30 मिनट्स पहले पहुंच चुके हैं जो गाड़ी का आने का टाइम है। काफ़ी बढ़िया तरीके से ले बशीर दे बशीर ड्राइवर साहब भगा आते हुए लेकर आ गए। अब अंदर तो बैठे सुकून में एकदम 21-22 ऐसे टेम्परेचर में ज़बरदस्त दवा आ गए। अब बाहर निकलने के बाद जो दोपहर के 2 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर है 40 डिग्री के आसपास है, तो चलिए अब उसका मज़ा लेते हैं। बहुत ही ख़तरनाक टेम्परेचर है भाई, एकदम गर्म। ये जो बेंच दिख रहे हैं ये बेंच भी ज़बरदस्त गर्म हुआ है, बेंच पे बैठने के बाद भी एकदम गर्म, पूरी हवा मार रही है और ज़बरदस्त। जल्दी से कुछ तो भी, अब जल्दी से ऑटो वगैरह पकड़ के कैब तो बगैर ना मिलने वाली यहाँ पे, तो ऑटो पकड़ो और भागो घर पर। सुधाकर भैया ऑटो चला रहे, फिर सुधाकर भाई क्या बोलते, गर्मी कैसी है नांदेड़ में? अच्छी बारी, बहुत गर्मी है जी। एक नंबर है, बोलो। एक नंबर है, बहुत गर्मी है। कम से कम 44 चला, 43-44 तक ऐसा ही जा रहा टेम्परेचर, जबरदस्त। हमारे लोग रहे भाई रोजे, लेकिन इतनी गर्मी में रहते रहते आदत हो जाती।
फाइनली पहुंच गए हैं और ट्रेन में तो थे जब तक सुकून था, बट जैसा उतर रहे तो बेहतरीन गर्मी है और दबा आके टेम्परेचर है, गर्मी भी ज़बरदस्त हो रही है। और अभी चलिए जाके फ्रेश होते हैं और शाम का हम लोगों का प्लान है एक तो व्लॉग्स बनाने का, जो नांदेड़ का मार्केट है और ईद का जो माहौल रहेगा, ईदगाह का भी हम लोगों का एक व्लॉग बनाने का प्लान है। तो ये सब सारे आगे वीडियोज़ हमारे चैनल पर आने वाले हैं, तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ एक बेल का जो आइकॉन आता है, नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस करके रखिए, जो हम जब भी नए वीडियोज़ डालेंगे तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो इस व्लॉग को और इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, ऑलवेज़ वेयर द हेलमेट, ऑलवेज़ वेयर द सीट बेल्ट, ड्राइव सेफली।